सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दीपक ठाकुर और करणवीर बोहरा काफी अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ अलग तरीके से टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे रहें, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि हम ये सब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ऐसा वाकई हुआ है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब करणवीर बोहरा और बाकी सदस्य बैठकर एक मूवी बना रहे थे और इस मूवी का एक रोमांटिक सीन चल रहा था जिसमें करणवीर की हीरोइन बने थे शिवाशीष, लेकिन शिवाशीष कैरेक्टर पकड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद हीरोइन बदल दी जाती है और उनकी नई हीरोइन होती है दीपक ठाकुर, और दीपक के आने के बाद मूवी का नाम भी बदल दिया जाता है और मूवी का नाम होता है आ टकली तेरी मांग भरू। और तब करणवीर और दीपक दोनों ही अपना कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। करणवीर बड़े ही प्यार से दीपक को बुलाते हैं तकी, और ये सुनने के बाद दीपक की हंसी छूट जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल करते हैं और सीन को कंटिन्यू करते हैं। करणवीर अपनी टकी से पूछते हैं, टकी कहो ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ यही बनी रहोगी, बोलो टकी। और दीपक कहते हैं, हाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और यहाँ पर फिर से शिवाशीष गड़बड़ कर देते हैं, वो फिर से जोर से हंस देते हैं और इनका भी सीन खराब हो जाता है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।